अपन किसी को पूछेंगे ना, अपने को बेच देंगे। रोहित तेरी ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, अभी ये सामने कुछ सीन हो। जहर निकाल दिया। Hey, what's up everyone? This is your boy Seng, back to the vlog. So guys, आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली कार से। चल झूठा। हम लोग निकल चुके हैं रात में ही। मैं इंट्रो वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि मैं सो रहा था। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। एक इंट्रो। आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली, तो वहाँ पे जो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो में। आखिर तक बने रहो, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर पे, और यहाँ से अपने को दिल्ली का रास्ता है 1200 किलोमीटर। ये ट्रिप के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पता नहीं ट्रिप कैसी होगी क्या नहीं, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ कार ऑन रोड। मैं फ्लाइट से भी जा चुका हूँ, उतना मजा नहीं आया। ब्लॉग बनाने का सोचा, बना नहीं पाया। और सेकेंड टाइम मैं ट्रेन से ट्रैवल करा था। ट्रेन में पता ही है लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे फोन वगैरह भी चोरी बताते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ कार से, तो मैं सोचा कि एक ब्लॉग आप लोगों के लिए बना देंगे। ओके। तो लास्ट वीडियो के लिए मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। वेट अ मिनट। वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और जो भी मेरे बम्बल होते हैं उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अभी हम लोग फंस चुके हैं दो लारियों के बीच। पहले यहाँ से निकल लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। तो गाइस यहाँ की रोडें बहुत ज्यादा खराब है। कोई कार से जा रहा है तो अच्छी कार लेके जाए। अच्छा ठीक है, समझ गया। और एक से दो जने जो अच्छे ड्राइवर है वही लोग जाए, क्योंकि ये रोड इतनी गंदी रोड है। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर हो रहा है ये चीज को लेके कि हम सही सलामत बस पहुँच जाए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आई होप इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। हमारे साथ है हमारे कुछ दोस्त लोग को भी थोड़ा बता दो, और वो ऐसे सो रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बहुत गंदी नींद में। मैं भी अभी यहाँ पर ही स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। अभी हम लोग आ चुके हैं 450 किलोमीटर। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है 1250 समथिंग है। और क्या है, जिंदगी चलती रहती है, इसी काट रही है जिंदगी। हाँ हम नहीं काट रहे, जिंदगी हमारा काट रही है भाई। ऐसे तो नहीं होता है। गलत बोल रहे तुम। तो दिल्ली में क्या क्या अच्छी चीजें हैं मेरे को तुम अभी बताओ। स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड हाँ, तो हैदराबाद जैसा टेस्ट आएगा। हैदराबाद से अच्छा टेस्ट आएगा, बिकॉज वो दिल्ली है। चुप करे मैनेजर, अपने हैदराबाद वाली टेस्ट नहीं आती कहीं भी। दिल्ली खाने के मामले में तो हैदराबाद बेस्ट है। दिल्ली हिंदुस्तान का खत्म हो गई सारी बात यहाँ पे। हैदराबाद गुड़दा है। तो ये सफर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि दिल्ली के लिए जाना है, लेकिन बाई रोड तो नहीं था मेरा, तो ये प्लान था कृतिका का। जब ये प्लान कर रहे थे हम लोग, बहुत ज्यादा सोच रहे थे इसके रिगार्डिंग कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, कौन चलाएगा कार। ऑलरेडी हम अपनी दो फ्लाइट मिस कर चुके थे। हाँ दो फ्लाइट भी मिस हो गई, आज निकलेंगे कल निकलेंगे, मैं 5 दिन निकाल दिए ऐसे ही करके। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कल रात को शुभ घड़ी आ गई जिसमें हम निकल पड़े। हाँ। तो भी हम खाने के लिए रुकने वाले हैं कहीं पे। तो आ चुका है ढाबा, फाइनली हम पहुंच गए। तो देखते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत भूख लगी है। सो गाइस खाना आ गया है, ये है शाही पनीर। हेलो। रोटी बटर बोलना था ना, रोटी तो गाइज अभी हम जबलपुर की रोड पे हैं, तो यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, तो देख सकते हैं आप लोग इतनी ज्यादा ग्रीनरी। वाव नेक्स्ट लेवल यार, ये बाय रोड ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और होता है, एकदम नेचर का मजा, बहुत प्यारा।
एक अलग ही वाइब आती है। डिप्रेशन में होता है जैसे कोई भी चीज़ को लेके, जैसे करियर हो गया, लव स्टोरी, ज्यादातर आजकल के लोग तो परेशान है प्यार के ही पीछे। अच्छा तो बस कुछ मत करो, एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ो भाई। क्या प्यारा है अपना इंडिया, तो कसम से देखो ये सारी चीजें हर चीज को भुला देती है अपनी, सारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा, अपनी लाइफ से अपने को प्यार होने लगेगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? हम सोचने लगेंगे सारी चीजें कि अपन क्यों ये सब कर रहे। भाई प्यार व्यार के चक्करों में मत पड़ो, एंजॉय करो लाइफ को और घूमो फिरो, मस्त मजे में रहो और ये व्यू का मजा लो, बहुत प्यारा व्यू है। मैं ये डिसीजन लेके मैं गलत नहीं किया, मैं तो ये सारी चीजों का फायदा ही उठा रहा। मेरा था डिसीजन, तुम्हारा था, चलना तो मेरे को था, नहीं तो तुम फ्लाइट से जाते थे। व्यू तो बहुत अच्छा हद से ज्यादा अच्छा, ऐसी चीजें बहुत कम देखने मिलती है। और बाय रोड अगर अपन नहीं आते तो ये सारी चीजें अपन नहीं देख पाते, एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। सो गाइस लोकेशन देखो, बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ सामने भी बताओ, बहुत प्यारी है यार। ऐसे लोकेशंस में फोटोशूट्स में देखता था लोगों के, आज अपन खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है उधर, बताओ मस्त लग रहा है। यार ये ट्रिप का मजा ही अलग है। लाइफ मर जाएंगे लाइफ में, एक इस लाइफ है जिसमें भी यही ये रोड पे मर रहा है अपने को। सही है, दिल्ली गलियों में से लेके जा रही है, इन अपने को जोमैटो वाला समझी क्या? नहीं शायद हाँ, अगर अपन किसी को पूछेंगे ना अपने को बेच देंगे। रोहित तेरी यार, ये कुत्ता जब भूखा ना फटके हाथ में आ गई मेरी, लगा वो चढ़ी जाएगा। यार ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये रास्ता खत्म काहे नहीं हो रहा है? देखते जाओ, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। अभी ये सामने कुछ सीन क्या बोलूँ मैं अभी, बताओ तुम, ये देख के इंसान को डर लगेगा कि नहीं? पहली ट्रिप है और वो पहली ट्रिप इतनी डेंजर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये चीज़ें जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मेरे तक ही अच्छी है ये। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई या कार खराब हो गई या टायर पंचर हो गया, इंसान सड़क हो गई, क्या ही होगा हम लोग का? मैं ऐसा मत सोचो, जब अच्छा हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है, सब सोचना पड़ता। इंशाल्लाह होना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ, होगा टायर फटे तक लेके जाऊंगा कार ऐसे ही, लेकिन यहाँ तो रोकूंगा नहीं। यार सामने का हिस्सा ही नहीं दिख रहा मेरे को कुछ, रास्ता इतना सुमसाम है कि हमारे अलावा कोई चल ही नहीं रहा ये रोड पे, तो बस हम ही चल रहे हैं, ना आगे ना पीछे कोई नहीं, बस हम और हमारा डर चल रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाईवे के पास में इतने बड़े जंगल से बाहर निकल, बहुत बुरा जंगल था वो, फटके चार हो गई थी, चार तो टोटल पांच लोग बैठे तो कितने हो गए भाई, कसम से अलग ही लेवल था ये तो।
कभी भी आऊंगा तो भी बाई रोड नहीं। मैं माता जो इसमें आया हूं। बहुत गंदे सीन्स हुए, बस मैं किसी भी हाल में दिल्ली पहुंच जाऊं। वही गाड़ी छोड़ के रिटर्न आ जाऊं। कुरियर करा लूंगा गाड़ी। वीडियो मत बता, वीडियो। तुम्हारी सुन सुन के गलियां भटक रही जी। शान करके रख दिया तुमने। जब से तो ये बोल रही आधे घंटे में लाइव आ जाता है, ये गली मोड़ो हाईवे, वो गली मोड़ो हाईवे। माँ कहाँ की आ गए रे भाई, परेशान हो गया मैं। मेरे जितना दुखी आत्मा तो ये जिंदगी में कोई भी नहीं है शायद भाई। चुप कर बे कुत्ते। ऐसे घूम रहे, हाईवे नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन से उस पे चले गए। और ये गूगल मैप पे तो भरोसा ही नको करो तुम लोग। परेशान हो गया मैं, 3 घंटे से खाली गाड़ी घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ और खुद भी घूम रहा हूँ। यार भूख भी लगी है तेज, क्या ही बताए। ओ माय गॉड, फाइनली इसको हाईवे बोलते हैं तो फिर सही है, हाईवे ही सही, जैसे भी होगा। उस जंगल से तो ठीक है। मैं क्या ही बताऊंगा तुम लोगों को, कसम बता रहा हूँ मैं अभी तक लाइफ में कहीं भी जाने से नहीं डरा। झूठ बोल रहा है। बस वो जंगल से कब निकलूंगा सोच सोच के डर रहा था कि अभी यहाँ पे क्या होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। किलोमीटर पे तुमको 10 से 15 गाय मिल रही थी, और वो व्हाइट उन लोग का जो कलर होता है व्हाइट, मेरी लाइट के उससे रिफ्लेक्ट कर रहा था, इतना गंदी तरीके से फट के हाथ में आ रही थी। अभी भी देख लो सामने, ये तो मेन रोड है, वो जंगल में तब ऐसे हो रहा था ना, कसम बता रहा हूँ। दो भी नहीं, 10-10, 15-15। अरे भाई 20-20, 25-25 गाय भाई, हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो जंगल में कार चलाने की, तो कसम से भाई मैं ऐसे सोचने लग गया था कि मैं गलती ले लिया ट्रिप का प्लान। बात तो सही है। बहुत बुरी फटी थी, अभी फिर से चालू होने लग गया जंगल। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये व्लॉग तुम लोग देख सकते कि नहीं वो भी नहीं मालूम मेरे को, जिस हिसाब से रोड है ना भाई, समझ के बाहर। अगर मैं बच गया तो सब्सक्राइब कर दो। चुप कर बे कुत्ते। सही सलामत से अगर ये वीडियो तुम लोग देखो, फिर एक डरेगा ये। देखो बीच रास्ते में अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे आप लोगों को देखने मिलेगा कि 25-25, 30-30 गाय दिखेगी भाई, रास्ता ही नहीं होगा। वो वही प्लेस पे तुम्हारे साथ स्नैचिंग हो सकती है, तुम्हारे को मार के तुम्हारे सारी चीजें ले लेंगे। ऐसे लोग अकेले अकेले हाईवे पे बैठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डर हो रहा है भाई, पूरे चीजें लॉक है ना। एक बंदा अकेला बैठा था और वो भी कॉल पे था। बंद करो ये कैमरा, बंद करो सब। तुम रास्ता बताओ। रास्ता तो बहुत ही डरावना है। ये देखो फिर एक गाय। डर तो बहुत है ये रोड पे, तो पूछो मत। अभी ये देखना सडन से सामने भाई, ऐसे सीन बहुत हो रहे हैं। गूगल वाले आंटी तो एक ही रोड बता रहे, आगे से लेफ्ट लो पीछे से राइट लो, क्या ही बोल रही है, ये परेशान कर रखी है हमको। अभी ये देखना सडन ऐसे सामने ठहर के रहोगे तो मासूम बच्चों की तो फटेगी। कुछ भी मेरे को सबसे डरावनी चीज तो यही लग रही है, सडन से एकदम आ जा रहे गाय, और ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उन लोग को कुछ हो गया तो अपने को कुछ होएगा। सजा हुआ क्यों है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पता चल गया क्या अपन आ रहे।
चलो छोड़ो, कल चलते हैं इधर, पहले घर चलते हैं। बात तो सही है। ये जंगल कब पार होगा? फाइनली एक गाड़ी आती हुई दिख रही है हमें इतनी देर में। एक ही गाड़ी, अभी फिर से जंगल चालू।